हुआ था कि स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर देख के उठ के चले गए। तो अभी एक नॉक कॉल किया तुम मतलब रात के बज रहे हैं ऐसे 2:30, तो 2:30 भी नहीं 3 बज गए होंगे। मैं भी एकदम बहुत मतलब लिटरली पता है डरा मैं ऐसा सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड या आई नो कि मैं मेरे को ना प्रॉब्लम हो गया पता नहीं क्यों क्या चीज़ का कि बट मेरा ना यूट्यूब में मैं मतलब कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं ना वो मतलब फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूँ लिटरली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं कभी वीडियो बना रहा हूँ तो कभी नहीं बना रहा हूँ। ऐसा करने से तो यूट्यूब में ग्रो होगा ही नहीं मेरा। आई नो बहुत जन मुझे ये बोलते हैं कि भाई तू अगर ऐसा करेगा तो यूट्यूब में ग्रो कब मिलेगा तेरे को। बट सीरियसली गाइस आई फील बैड। सो गाइस अभी रात के बज रहे 12 एंड लेट मी शो यू दिस क्लॉक। मेरा जो पीछे वाला आप देख रहे हो इसमें अभी भी दिख रहा है कि 3:13 हो रहा है बट एग्जैक्टली ये नहीं है। लेट मी शो यू माय रियल टाइम पता नहीं आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इट्स 12:30 नाइट का। तो मैं इतना टाइम क्या कर रहा था लेट मी टेल यू कि मैं ये पढ़ रहा था। दिस इज़ इनकम टैक्स कल एग्ज़ाम है फर्स्ट यूनिट का। तो पता है मुझे कि आई एम नॉट प्रिपेयर कम्प्लीटली बट मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया अपने आप को कि कल जाके एटलीस्ट खाली पेपर ना दे के आऊँ। तो या गाइस शायद पास ना हो पास ना फेल डजेंट मैटर बट पेपर में कुछ तो लिख के दे के आना है। सो इसी के साथ मैं अभी सोता हूँ क्योंकि मुझे भयंकर नींद आ रहा है। कल सुबह उठेंगे उठ के ब्लॉग भी कंटिन्यू करेंगे प्लस थोड़ा पढ़ भी लेंगे ठीक है। बट चेक दिस आउट गाइस माय पीसी लुक सो सेक्सी। रुको मैं दिखाता हूँ अभी। अगर आपको ये सिनेमेटिक अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर माय चैनल। बहुत जल्दी 400 होने वाला है तो यस गाइस जल्दी एक माइलस्टोन हिट करते हैं 400 का। देन नेक्स्ट वाला एम होगा 500 का। सो प्लीज़ शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी करना लाइक भी कर देना प्लीज़। तो इसी के साथ मिलते हैं कल सुबह। 11 minutes later. हे सूरज देवता आज का दिन अच्छा जाए। एंड दीदा भी उठ गई सभी उठ गए। हेलो जी सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड या आँख पूरा लाल हो रखा है। सो ऐसे सुबह के अभी बज रहे हैं 9 ठीक है। 9 बजे मैं उठा हूँ तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते पहले। उसके बाद मैंने दोस्त लोगों को टेक्स्ट किया अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ क्या हाल चाल क्या खबर शबर। तो वो लोग बता रहे कि हुआ है थोड़ा बहुत तो आके फिर वो लोग बताएंगे। सो अभी मैं बहुत पेट में भूख लगा तो पहले कुछ बना लेते हैं एंड बना के खा के आफ्टर दैट थोड़ा पढ़ने बैठते हैं ठीक है ना। आज तुम्हारे पति बाबू पीने वाले अमूल गोल्ड है। हम लोग जल्दी से जाते हैं। तो दूध यहाँ पे पूरा परफेक्टली एक ग्लास पे 8 PM नहीं सॉरी हियर आई कम ये पूरा ये एक ग्लास पे ये कटोरी एंड हियर इट्स माय कॉर्नफ्लेक्स सस्ता वाला ये जो विशाल में मिलता है ना फर्स्ट क्रॉप बट बहुत अच्छा है मतलब क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। तो या पागल कर दी तू तुझे देख बेकाबू फिरता हूँ बेबी तुझको निकलना पीछे तेरे मरता बस यू ही लिखता रहता हूँ। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ
ठीक है, अभी रेडी होके नतान के लिए वेट कर रहा हूँ. नतान, हु इज नतान? वो जब आएगा तो मैं आपको उसको इंट्रोड्यूस करा दूंगा. तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ, अभी वो गेट के सामने आने वाला है. तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया, पता नहीं कैसा जाएगा, बट आई होप थोड़ा ठीक ठाक जाए, बिकॉज इतना टाइम मैंने अपना फुल फोकस दे दिया था पढ़ने के लिए. चल झूठा. सो अभी निकलते हैं पहले, एंड आपको डायरेक्ट कॉलेज में मिलता हूँ. नतान, हाउ मच प्रिपेयर्ड भाई? नहीं, हिंदी में बोलो, पब्लिक को नहीं पता है. रूम नंबर 8. हेलो गाइज, हेलो. एग्जाम देके आ गया, एंड पेपर, लेट मी शो यू वन थिंग. ठीक है, पेपर ऐसा आया कि मैं पीछे में ये ड्रॉ करने में लग गया था. ये हम लोगों का यूनिट टेस्ट का पेपर. मैंने कैलकुलेटर जो था ना, कैलकुलेटर लेके गया, और मैंने सब कुछ मतलब एकदम पेपर करके कि नहीं दे दूंगा पेपर. ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखा ना, मैंने सोचा नहीं, पीछे आर टी करता हूँ क्योंकि वो ही मेरे लिए ठीक है, बिकॉज लिखना मेरे से नहीं होने वाला था. बट समाउ डिड समथिंग, रिटन समथिंग, एंड आई गेस एटलीस्ट 20 मार्क का है. पास मार्क तो उठ ही जाएंगे. तो इसी के साथ यार कपड़े चेंज कर लेता हूँ पहले, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, सैटरडे है. तो बेसिकली फनी पार्ट क्या था, मैं बताता हूँ आपको, कि पेपर देने के टाइम सिर्फ 10 मिनट भी नहीं हुआ था. ओके, 10 मिनट भी नहीं हुआ था कि स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर देख के उठ के चले गए. मोस्ट मतलब मैं कैसे बताऊँ, एटलीस्ट 50% स्टूडेंट लोग उठ के चले गए कि कैसा पेपर आ गया. मैं सोचा कि नहीं यार, कैलकुलेटर लेके जा रहा हूँ, मतलब कुछ एग्जाम आए तो मैं उसको दूंगा. बट यार चिक 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 चिक, और 24th को अभी कंपनी लो है. सो लेट्स सी कैसा जाता है कैसा नहीं. सो उसके बाद मैं सो के थोड़ा मतलब मैं सोचा कि नहीं, सो के उठ गया था तो मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा एडिट कर लेते हैं व्लॉग. तो बट करते 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 क्या हो गया, रात हो गया था. ठीक है, बट तब क्या हुआ मेरे साथ, आगे देखिए. सो गाइस, अभी मतलब रात के बज रहे हैं ऐसे 2:30, तो 2:30 भी नहीं, 3 बज गया होगा मे भी. तो अभी एक नॉक कॉल किया तुम, तो अभी एक इंसिडेंट हुआ खतरनाक वाला. मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको कि नितेश अभी यहाँ पे बैठा है, मैंने उसको बुलाया. मतलब तो मैं काम अपना एक ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो मैंने अपना जो ये वाला डोर है ना, यहाँ से जो किचन में जाते हैं, तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा को खोला, बाहर में एक लेडी थी यार, मेरे को देख के ना मेरा फट गया. मतलब लिटरली मैंने ये वीडियो एक बनाया, आप देखो अभी, मेरे पूरा दरवाज़ा खोलने के साथ साथ मुँह के सामने थी, एंड इट वॉज़ लाइक सो स्कैरी. मैं चिल्लाया भी नहीं, बट मैं मतलब उस टाइम पे मैं क्या करूँ ना, मैं पूरा ब्लैंक हो गया था. तो मैं फिर नितेश को मैं बुलाऊँ कि नहीं, मतलब ऐसा क्या सिचुएशन हो गया था, मैं मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था लिटरली. बट फिर देखा नहीं, वो सोने के लिए सिर्फ यहाँ पे आई है, मतलब हम लोग यहाँ पे, तो वो आके यहाँ पे सो रही है. बट मुझे वही डाउट लगे कि ये गेट बंद हो जाता है हम लोग का 11 बजे, तो ये यहाँ पे आए कैसी. तो भाई ये तो थोड़ा मतलब सीन थोड़ा क्रेजी वाला है. बट अभी ये भी यहाँ पे आ, नितेश रामायण लगाओ यार. यू राम ने सच्ची में गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि बहुत डर. इस नितेश तुम बताओ कि कैसा है एकदम, बहुत मतलब लिटरली पता है डरा. मैं ऐसा मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, बट उनका ना जो फेस है ना, वो पूरा एकदम अंदर जा चुका है, डार्क स्किन, आँख ये सब बड़ा बड़ा करके मेरे को देख रही था, मेरा लिटरली फट गया है. हम तो सडनली तेरा आवाज़ सुन के उठ गया भाई. ये मेरा आवाज़ सुन के उठ गया. मतलब मेरे को इतना भी अभी भी दिल में धक 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 धक, अभी भी नीचे सो रही है. किचू लागो नहीं यार, किचू लागो नहीं, मोटी नहीं था ए, तुम्हें तो हमें इधर नहीं ले जाओ. अच्छा ठीक है, रखियो तुम्हारे कैसे इधर, ठीक है सर, इधर तुम्हारे कैसे रखियो, देखो हमारे कैसे लो तो टावल तुम्हारे कैसे रखियो, तुम्हारे कैसे रख लियो, बाहर रखियो ना यार, तुम्हें नहीं आ जाइयोगे किंतु इधर. You didn't have to cut me off.